हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर, जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीप्लेक्सर्स। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यू हैव वेरियस टॉपिक्स। यू हैव मल्टीप्लेक्सर्स, डी मल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर्स, डिकोडर्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एंड वी आर गोइंग टू टेक ईच ऑफ दीज थिंग्स वन बाई वन। तो जो सबसे पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक हेयर इज योर मल्टीप्लेक्सर्स। सो लेट अस सी व्हाट आर मल्टीप्लेक्सर्स। सो मल्टीप्लेक्सर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वेयर यू कैन हैव मल्टीपल इनपुट्स एंड देन यू कैन सेलेक्ट विच ऑफ दीज इनपुट्स यू वॉन्ट एज एन आउटपुट। ओके, सो लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हेयर। सो दिस इज काइंड ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर which is used in signals. So at the sender side, जहाँ से हम डेटा को सेंड करते हैं, at the sender side we have a multiplexer, and at the receiver side also we have a multiplexer. So on the sender side there are multiple inputs, and on the receiver side, and we send all of these inputs in using one line, one transmission line, and then in the receiver side we use something to demultiplex those inputs. बट इसमें से कौन सा इनपुट हमें वहाँ पर देना है, फॉर दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ सेलेक्ट लाइन। तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेलेक्ट लाइन्स हैं, सो यू हैव अ फ्यू सेलेक्ट लाइन्स हियर, एंड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस सेलेक्ट लाइन वी डिसाइड कि इसमें से कौन सा जो इनपुट है वो यहाँ पर एज ए आउटपुट की तरफ मिलेगा। सो यू कैन ऑल्सो व्यू इट इन दिस मैनर, आप कुछ इस तरीके से इसको देख सकते हैं, दैट इन दिस मल्टीप्लेक्सर दिस एंटायर इज अ मल्टीप्लेक्सर, राइट। सो देयर आर थ्री पोर्शंस ऑफ मल्टीप्लेक्सर। First portion is your input, so it can take multiple inputs. Second is data selection, that means we have something called a select line, and using these select line we select which of these inputs should be given as an output. यानी कि इन select line से हम लोग select करते हैं कि जो भी input हमारे पास है, इन सभी में से हम किस input को output की तरह देना चाहते हैं, and then this is your single output. So this is three parts regarding a multiplexer. Now multiplexers are used a lot of places, there are a lot of applications of multiplexers. Even you can see your data bus or system bus that you use in your computer systems, that is also a multiplexer. So there are a lot of applications of multiplexers. We will look at the applications later on. Right now you can just make note of these applications. Once I explain you what exactly multiplexer is, pehle main aapko multiplexer ke bare mein explain karta hu, then after that I will tell you these applications. Okay, so let us see these applications. Let us see the multiplexers one by one. So the circuit looks something like this. Kuch aisa circuit hai, and how to make this circuit I'll tell you set properly. Circuit kaisa hai main aapko properly yahan par bataunga. Now in this circuit you can see here we have a few input lines, so there are some inputs, and there here we have a
few select lines. Based on the values of these select lines, we tell which of these inputs should be given as an output over there. इसमें से कौन सा input जो है हमें ऐसे output देना है. So, इसको देखकर इस समय पर घबराने की जरूरत नहीं है. Don't worry about it, because we are going to discuss about in lot of details. तो ये जो diagram है, this will be a very easy diagram for you guys. Once we cover multiplexers, you will understand what are we doing with this diagram. Okay? So, let us do things step by step. I don't want to confuse you with such kind of complicated diagrams. Let us do step by step. Okay? So, the first multiplexer that we want to create is a 2x1 multiplexer. 2x1 multiplexer. What do I mean to say by 2x1 multiplexer? In a 2x1 multiplexer, this is your 2x1 multiplexer and these are your input lines. Okay? And this is representing your output line and this is representing your select line. So this is kind of a block diagram, or can say a box diagram. Now here, this is the first input I0, the second input I1, and here we have a select line S0, and here the output is O. Okay, so if I say the select line value is 0, if I pass a value 0 here, then I want the output to be I0. Tab jo mujhe output chahiye wo I0 chahiye. If I say the select line, the value of the select line is 1, then I want I1 as a output. This is what we want. So, isko hum truth table se represent kar sakte hain. If I say this select line S0 is having a value 0, then output should be I0. And if this select line is having a value 1, then output should be I1. So, in this case, hume jo output hai, wo I1 milega. Now, if you make an equation for this, agar aap iski equation banayenge, if you check it this one, so you can see this can be written as S0 complement dot I0. देखो यहाँ पर S0 के अंदर हमने 0 लिखा है, so that is why we are getting a sum of product expression, right? So here you can see that हमारे पास S0 के अंदर हमने 0 पास किया, so that is why I'm writing as S0 complementation plus. Here in this case I'm passing 1, so it will be S0 dot I. हमारे पास कुछ ऐसा एक इक्वेशन आने वाली है. दिस इज द SOP इक्वेशन फॉर मल्टीप्लेक्सर. दैट मींस इफ यू वांट टू क्रिएट सच काइंड ऑफ सर्किट, टू क्रिएट सच काइंड ऑफ सर्किट यू नीड 2 AND गेट्स, 1 OR गेट एंड 1 कॉम्प्लीमेंटेशन. अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा, हाउ कैन आई डू इट? इंप्लीमेंटिंग दिस इज वेरी इजी. सो कुछ ऐसा हम बना सकते हैं. इफ आई सी दिस बॉक्स, इफ आई जस्ट ओपन दिस बॉक्स, हाउ कैन आई से दैट दिस बॉक्स इज डिजाइन? ये बॉक्स कुछ किस तरीके से डिजाइन होगा? So in this box, we need 2 AND gates. So यहाँ पर एक AND gate है, यहाँ पर एक AND gate है. So we need 2 AND gates. This is first AND gate and this is your second AND gate. In the first AND gate, we give S0 complementation. हम यहाँ पर S0 का complementation देते हैं. So basically, when this S0 goes inside, correct? So I can find a complement of this S0. So let us suppose this is representing S0 complementation, or instead of doing this, let me make the diagram easier. So when this S0 goes inside, right, what I can do is I can give this S0 here to I0 in a complemented form, and I can give this S0 as it is in this gate, and then I will give this I0 as it is as input and I1 as it is as input. So whatever the output here will be, whatever output will be, I'm going to apply an OR gate, and then you will see this entire equation is implemented. जो पूरी equation है कुछ इस तरीके से implement की जा सकती है. Okay, so creating this multiplexers is very easy. जो multiplexers को create करना बहुत आसान है. You just try to make a equation here. You just try to identify whatever according to the input which output you want. Input की value पर आपको क्या output चाहिए. Let me repeat again in a better manner. So let me try to repeat again. So this is a select line S0. So if I pass the input as 0, then I want the output as I0. If I pass input as 1, then I want the output as I1. Okay. And then I can make a multiplexer for this. Here in this multiplexer, I can pass input I0 here. I can pass input I1 here. And this is your select line. And based on this, what I can simply do is, here I can use 2 AND gates. ये आपका पहला AND gate है. Now this is your second AND gate, and the output of both of these AND gates are given to a OR gate. इनका जो output है वो OR gate की तरफ दिया जा सकता है. And now in this case, I can take this select line from here. जो भी आपके पास select line है, I can take this select line.
I can give this select line as a complemented form to the first AND gate. I will give this select line as it is to the second AND gate. Okay. And after this, I will give this I naught as it is. I will give this I1 as it is. And then whatever output you will get here. So this output equation will be S. This is S0. So this is S0 complement I naught plus S1 S0 I1. ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा हमारे पास. दिस इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, अब ये काम कैसे करेगा? हाउ कैन आई, हाउ कैन इट वर्क? लेट अस अज्यूम वी हैव गिवन सम सिग्नल टू आई नॉट एंड वी हैव गिवन सम सिग्नल टू आई वन. इफ आई पास एस जीरो एस जीरो, अगर मैंने एस जीरो के अंदर जीरो पास किया, देन दिस विल बिकम जीरो. तब ये बन जाएगा हमारे पास जीरो, बिकॉज जीरो डॉट आई वन इज जीरो एंड देन दिस विल बिकम आई नॉट. तो इसकी वैल्यू जो है वो आई नॉट हो जाएगी. So that means if I pass S0 is equal to 0, in that case, the equation will be S0 complement I0 plus S0 I1 and this will become 0. So I can say the equation will be 1 dot I0 which is equal to I0. Jo aapka output hoga, wo I0 ke equal hoga. Clear? In the same way, for ye second one, jo aapke paas, agar hum S0 ke andar 1 pass karte, if I pass 1 here, अगर मैं इसके अंदर 1 पास करूंगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द इक्वेशन विल बी एस जीरो कॉम्प्लीमेंट आई नॉट प्लस एस नॉट आई वन. सो 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0, सो दिस विल बिकम 0 डॉट आई नॉट प्लस 1 डॉट आई वन विच इज इक्वल टू आई वन ओनली, जो कि सिर्फ आई वन के इक्वल है. दैट मीन्स इफ आई पास 1 हियर देन द आउटपुट विल बी आई वन, इफ आई पास 0 हियर देन द आउटपुट विल बी आई नॉट. ओके, नाउ देयर इज समथिंग स्पेशल यू कैन डू हियर. इसमें एक और चीज़ स्पेशल की जा सकती है, वी कैन यूज़ एन एनेबल इनपुट. आप एक एनेबल इनपुट को भी यूज़ कर सकते हैं. सो आई कैन यूज़ वन मोर लाइन हियर एंड वी विल कॉल दिस लाइन एज एनेबल एंड आई विल गिव दिस लाइन एज इट इज टू द एंड गेट. नो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस एनेबल लाइन? अगर हम इस एनेबल के अंदर जीरो पास करते हैं, देन यू विल सी दिस एंड गेट एंड दिस एंड गेट, बोथ ऑफ देम विल गेट अ जीरो एंड व्हेन बोथ ऑफ देम विल गेट अ जीरो, द आउटपुट विल बी जीरो. करेक्ट, यानी कि अगर हम एनेबल को जीरो करेंगे तो जो मल्टीप्लेक्सर है वो बिहेव नहीं करेगा. दिस मल्टीप्लेक्सर विल ऑलवेज गिव द आउटपुट एज जीरो. बट इफ वी गिव दिस एनेबल एज वन, अगर हम इस एनेबल लाइन की वैल्यू को वन पास करते हैं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस व्हेन यू विल पास वन, देन दिस एंड गेट कैन ऑल्सो वर्क एंड देन दिस एंड गेट कैन ऑल्सो वर्क. तो आपको पता है कि एंड गेट के अंदर इफ यू गिव इनपुट एज जीरो, अगर आप एंड गेट के अंदर इनपुट जीरो देते हैं, देन AND gate will always produce output as 0. But in the AND gate, if you give input as 1, then only AND gate, you know, can work. So, yahan par, agar hum enable ke andar 0 pass karenge, then the multiplexer will not work. If I pass 1, then the multiplexer will start working. So, this is a very simple 2 cross 1 multiplexer. Okay, so this is the same example, jo bhi maine aapko explain kiya, I've explained you that in a multiplexer, we can have this enable input, right? We can have the select line. And this select line is having two portions. One is the complemented form, second is the uncomplemented form. And accordingly, we can get these equations. Okay? So I hope that you understood this. So by the way, there's one more way how you can make this table. This multiplexer ki table hai, isko aap ek aur tarike se bana sakte the, instead of just making this table like this. So jo maine table aapko banai, that was a variable entrant table. I mean to say, so the table I created is 0, I naught. And 1 I1. I can also create this table in this manner. We have, this is the input. And this is representing the value of the select line. Okay. And this is representing the output. Okay. So whatever input it is. Okay. जैसे अगर select line के अंदर हम लोग अगर 0 पास करेंगे, whatever input it is, even if the input is I0 or even if the input is I1, correct, whatever input it is, the output when I pass 0, then I0 can be given, but if I pass 1, then I1 can be given. Something like this you can create. कुछ ऐसा आप create कर सकते हैं. That is something which is represented here. So here, this is basically representing the select line, this is representing the enable input, कि अगर आपका system enable है, if you are passing 1 as an enable line, then only multiplexer will work, otherwise multiplexer will not work. Anyways, you can leave it as it is. आप इस डायग्राम को यहाँ पर छोड़ सकते हैं. But I think if I take one more example, then you will be able to understand properly. Okay? So this is a better example. I've taken 2 cross 1 multiplexer example because I wanted to make things very simple.
बट इवन इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, आपको ये जरूर समझ में आएगा, दिस इज़ वेरी इजी. ओके, सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ समझाने की, ठीक है. माई एम इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल टॉपिक इन अ डिटेल्ड मैनर. तो यहाँ पर आपके पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर 4x1 मक्स. ये आपका 4x1 मल्टीप्लेक्सर है. नाउ दिस 4x1 मक्स इज हैविंग 4 इनपुट्स. दिस इज इनपुट I0, दिस इज इनपुट I1, दिस इज इनपुट I2, दिस इज इनपुट I3, एंड वी वॉन्ट दिस इज एन आउटपुट. सो वेन एवर वी हैव अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर, हियर द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स विल बी 2. तब आपके पास दो सेलेक्ट लाइन होंगी. द फर्स्ट सेलेक्ट लाइन विल बी S0 एंड द सेकंड सेलेक्ट लाइन विल बी S1. सो बेसिकली जो भी आपके मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, राइट, सो इफ यू हैव n सेलेक्ट लाइंस देन इट इज 2n×1 मल्टीप्लेक्सर. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दैट इन सम टाइम, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. नाउ इन दिस केस व्हाट यू वांट इज इफ आई पास 0 0 हियर, अगर मैं यहां पर 0 0 पास करूं देन आई वांट द आउटपुट एज I1. इफ आई पास 0 1 हियर then I want the output as, I mean if I pass 0 0 then I want I0, if I pass 0 1 then I want I1, if I pass 1 0 then I want the output as I2, and if I pass 1 1, agar main yahan par 1 1 ko pass karta hu then I want the output as I3. So something like this can be done. Kuch aisa hamare paas yahan par kiya ja sakta hai. So if select lines are 0 0, output is I0. Select lines are 0 1, output is I1. Select lines are 1 0, output is I2. And the select lines is 1 1, then the output is I3. I hope you understood this table. तो आपको table समझ में नहीं आई होगी. Now by looking at this table, I can also find out an equation. इस table को देखकर मैं इसके लिए जो equation है, boolean expression, वो भी मैं identify कर सकता हूँ. What will that boolean expression will be? So we have, if I have 0 0, that is S0 complement and S1 complement, then I want the output as I0 plus. If I have 0 1, yani ki we have S0 and S1 complement, then I want the output as I1 plus. If I have 1 0, that means if we have S0 complement and S1, then I want the output as I2 plus. If I have input as 1 1, that means S0 and S1, then I want the output as I3. तो उस केस में जो मुझे आउटपुट है वो I3 चाहिए. सो इन दिस वेज आई कैन मेक दिस इक्वेशन. नाउ बाय लुकिंग एट दिस इक्वेशन यू विल आइडेंटिफाई दैट वी कैन इजीली इंप्लीमेंट दिस इक्वेशन. इस एक्सप्रेशन को हम बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं. लेट मी शो यू हाउ कैन वी इंप्लीमेंट दिस एक्सप्रेशन. सो इन दिस केस व्हाट आई कैन डू हियर इज आई कैन टेक अ 3 इनपुट एंड गेट, राइट. सो हियर वी हैव 4 प्रोडक्ट टर्म्स, सो आई कैन टेक 4 3 इनपुट एंड गेट्स. ये आपका पहला एंड गेट है, ये आपका सेकेंड एंड गेट है, दिस इज योर थर्ड एंड गेट एंड दिस इज योर फोर्थ एंड गेट. सो है 4 एंड गेट्स, करेक्ट. एंड नाउ वी हैव 4 इनपुट्स. तो ये आपका बॉक्स है. सो वी हैव 4 इनपुट्स हियर, I0, I1, I2 एंड I3. सो दिस I0 इज गिवन एज ए इनपुट हियर, दिस I1 इज गिवन एज ए इनपुट हियर, दिस I2 इज गिवन एज ए इनपुट हियर, एंड दिस I3 इज गिवन एज एन इनपुट हियर. तो ये आपके इनपुट्स हैं. After this, we have to select the select line. I mean, we have to choose the select line. So here we have, this is the first select line. Let us call it as S0. And this is the second select line. Let us call it as S1. So in your first gate, I want to give S0 complement and S1 complement. So I want to this as a complemented form, as also I want this as a complemented form. In the second, I want S0 as it is, I want S1 complement. तो जो आपका S0 है वो यहाँ पर एज इट इज जाएगा एंड दिस S1 विल बी इन द कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म. ओके, देन इन द थर्ड वन वी हैव S0 कॉम्प्लीमेंट एंड S1. सो वी हैव S0 कॉम्प्लीमेंट हियर एंड वी आर गोइंग टू गेट S1. एंड इन द फोर्थ वन वी वॉन्ट S0 एज वेल एज S1. तो मुझे ये सभी यहाँ पर इनपुट मिले. एंड आफ्टर दिस वी हैव टू डू एन और ऑपरेशन बिटवीन देम. सो आई कैन टेक ऑल ऑफ दीज गेट्स हियर लाइक दिस एंड आई कैन अप्लाई एन OR गेट हियर. तो यहाँ पर जो है मैं एक OR गेट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. नाउ आफ्टर दिस इट विल रिप्रेजेंट दिस गिवन एक्सप्रेशन. ये जो OR गेट है, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है, द व्हाटएवर एक्सप्रेशन आई एम गेटिंग, दिस विल रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन, करेक्ट. सो व्हाट आई कैन डू आफ्टर दिस इज आई कैन पुट दिस एवरीथिंग इन अ बॉक्स. मैं पूरे सर्किट को एक बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ
एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर. ये एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड इफ आई वॉन्ट अ एनेबल लाइन, अगर मुझे कोई एनेबल लाइन चाहिए, आई कैन सिंपली पुट एन एनेबल लाइन हियर. मे बी आई कैन पुट एन एनेबल लाइन हियर. दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एनेबल. सो आई कैन गिव दिस एनेबल लाइन एज इट इज टू ईच ऑफ दिस एंड गेट्स. नाउ इफ द एनेबल लाइन इज 1, देन ओनली मल्टीप्लेक्सर विल वर्क. इफ द एनेबल लाइन इज 0, देन मल्टीप्लेक्सर विल नॉट वर्क. ओके, सो इन दिस वे आई कैन डिजाइन अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस. आपको ये समझ में आया होगा. सो इफ यू अंडरस्टूड दिस, दिस इज द सेम सर्किट. ये सेम सर्किट है. हियर दिस इज रिप्रेजेंटिंग एनेबल लाइन. एस नॉट इज रिप्रेजेंटिंग योर सेलेक्ट लाइन S0, एंड S1 इज रिप्रेजेंटिंग योर सेलेक्ट लाइन S1. एंड दीज आर द इनपुट्स एंड दिस इज द आउटपुट. सो वट इज द इक्वेशन फॉर आउटपुट? यू कैन इजिली फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर आउटपुट. नाउ इन दिस इक्वेशन फॉर आउटपुट यू विल नोटिस दैट वी हैव ई एवरीवेयर. हमारे पास जो ई है वो सभी जगह पर है. वाई? बिकॉज ई इज एन एनेबल इनपुट, राइट? सो वी आर गिविंग दिस एनेबल इनपुट टू ईच ऑफ दिस एंड गेट्स एज इट इज, करेक्ट? तो जो ई है वो पूरी एक्सप्रेशन में नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है. यू कैन ऑल्सो टेक ई एस कॉमन. इफ यू टेक ई एस कॉमन द एक्सप्रेशन विल बी एस नॉट कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट D0 प्लस एस नॉट S1 कॉम्प्लीमेंट D1 प्लस एस नॉट कॉम्प्लीमेंट S1 D2 प्लस एस नॉट S1 D3. सो यू कैन ऑल्सो टेक दिस ई एस कॉमन एंड बाई लुकिंग एट दिस ई यू विल आइडेंटिफाई इफ आई पास दिस एनेबल एज 0. अगर मैं 0 एनेबल के अंदर 0 पास करूंगा देन दिस एंटायर इक्वेशन विल बी 0. इफ आई पास एनेबल एज 1 देन ओनली दिस एंटायर इक्वेशन विल वर्क, अदरवाइज दिस विल गिव अ आउटपुट एज 0. आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर. जस्ट लाइक आई डिड 2x1 मल्टीप्लेक्सर. आई डिड 4x1 मल्टीप्लेक्सर. इन द सेम वे दिस इज अ 8x1 मल्टीप्लेक्सर. सो इन अ 8x1 मल्टीप्लेक्सर विल बी हैविंग 8 इनपुट्स. आपके पास टोटल 8 इनपुट्स है. वी आर हैविंग 1 एनेबल लाइन एंड वी आर गोइंग टू हैव 3 सेलेक्ट लाइन्स. हमारे पास 3 सेलेक्ट लाइन्स होंगी एंड देर विल बी 1 आउटपुट. नाउ दिस समथिंग इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द मल्टीप्लेक्सर्स. इन एनी मल्टीप्लेक्सर दैट यू डिजाइन, सो जनरली इफ देर आर एन सेलेक्ट लाइन्स, अगर आप यहाँ पर एन सेलेक्ट लाइन्स हैं, इफ देर आर एन सेलेक्ट लाइन्स देन देर विल बी 2^n इनपुट लाइन एंड देर विल बी 1 आउटपुट लाइन. सो that is why I say we have a 2x1 multiplexer, we have a 4x1 multiplexer, because that is the powers of 2. We have 8x1 multiplexer, again the powers of 2. We have 16x1 multiplexer, we have 32x1 multiplexer. In the same way I can design lot of multiplexers here. Yahan par main is tarike se kafi multiplexers ko design kar sakta hu, and accordingly I can find what is the number of select lines. Okay, I hope that this much is easy. Aapke liye itna aasan hoga. If you find any difficulty, please feel free to ask any questions. Now, one of the most important thing regarding multiplexers is that multiplexers are functionally complete. Jo aapke multiplexers hote hain, wo sabhi functionally complete hote hain. That means you can implement any Boolean expression or any Boolean logic using multiplexers. आपके पास जो भी Boolean expressions हैं, जो भी Boolean logic है, आप उन सभी को multiplexers की help से implement कर सकते हैं. Okay? So here you can see that here in this case we are implementing a NOT gate and we are implementing an AND gate using multiplexer. हम यहाँ पर एक NOT gate और AND gate को implement कर रहे हैं. Okay, and how can I implement this one? Maybe I can also show you the same with the help of an example. मैं यहाँ पर इसको मैं एक example से show कर सकता हूँ. Instead of directly implementing these gates, let me show you something. Okay, so first let us see how can I implement a function using multiplexer, because इसको समझाना उससे ज़्यादा आसान होगा. First of all I'm going to explain you this, then I will come back to that. Okay, so here we are having function which is x, y and z. So we have a function for 3 variables. These are the 3 variables x, y and z, and this is representing the value of the function. Okay, so here in this case the inputs are 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Okay, so in this function this is representing the decimal value 0 1 2 3 4 5 6 and 7. So in this case when I this function is assuming a value 0 at the location 0 2 6 and 7. Ye 0 2 6 or 7 par ये वैल्यू 1 एज्यूम कर रहा है. सो दैट मीन्स द
That means in these locations, here we have a value 1, here we have a value 1, here we have a value 1, here we have a value 1. In all other locations, we have a value 0. बाकी सभी locations पर हमारी value जो है, वो 0 है. Now, implementing it directly is easy, but again, this much easier method is, you can create a variable entrant for this function. इस function का हम एक variable entrant बना सकते हैं. And after making the variable entrant, it will be easy for us to create this multiplexer. Let me first create a variable entrant, then I'll show you everything step by step, okay? So here, let us assume I'm going to put this variable z in the function f, right? So I'm going to have this function, this is x, y, this is a function z. So we have 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So in this case, the function is behaving as z complement. So this is your z complement. In this case, again, the function is behaving as z complement. Here the function is giving the output as 0, and here the function is giving the output as 1. Correct? Now making the multiplexer becomes so easy. It is so easy to implement this circuit using multiplexer. All I can do is, I can take a multiplexer like this. Correct? So it is a two inputs. So that is why I can take both of these two inputs in the select line. I can take x here, I can take y here. ठीक है, जो दोनों इनपुट हैं मैंने उनको सेलेक्ट लाइन बनाया. एंड हियर इन दिस सेलेक्ट इन दिस डेटा लाइन आई कैन पास जेड कॉम्प्लीमेंट 0 एंड 1 एंड दिस इज योर आउटपुट. दैट्स इट. इतना आसान है. इट इज सो इजी. सिंपली वट एवर योर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, जो भी आपकी फंक्शन की वैल्यू है, वट एवर द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, यू जस्ट पास दीज वैल्यूज ऑफ फंक्शन हियर. तो इन सभी फंक्शंस की वैल्यूज को हम यहाँ पर पास करेंगे. ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर. ये जो मल्टीप्लेक्सर है, ये एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर है. क्लियर? बट आई कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट द सेम सर्किट, आई कैन ऑल्सो प्रेजेंट द सेम फंक्शन यूजिंग अ 8x1 मल्टीप्लेक्सर. हम सेम फंक्शन को 8x1 मल्टीप्लेक्सर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ हम इस सेम फंक्शन को 8x1 मल्टीप्लेक्सर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. एंड ट्रस्ट मी दैट इज सो ईजी. यू विल फील लाइक कि सर ये क्या करा दिया. राइट? इट्स सो ईजी. I can, because this function is a three variable function, which is x, y, and z, I can make a multiplexer here, and this is a 8x1 multiplexer. I can pass x here, I can pass y here, I can pass z here, and these are the input, 8 inputs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Input 0, input 1, input 2, input 3, input 4, input 5, input 6, and this is input 7. All I can do is, I already know it is having a value 1 at 0, 2, 6, 7. So in the location 0, I'm passing a value 1. In the location 6, I'm passing a value 1. 7, I'm passing a value 1. 2, I'm passing a value 1. And in all other locations, just pass a value 0. That's it. Your work is done. So this is how it is so easy to even implement this kind of function using multiplexers. You can also implement in a variable entrant manner, you can also implement it as it is, right? आप इस function को एक 4x1 multiplexer से भी implement कर सकते हैं. आप इस function को 8x1 multiplexer से भी implement कर सकते हैं. Implementing it is such an easy task. इतना आसान है इसको implement करना. Okay, so you can see the same implementation here. यहाँ पर आप same implementation को देख सकते हैं. So wherever we have 0, 2, 6 and 7, in those locations I'm going to pass a 1. In all other locations I'm going to pass a 0. Correct? Now coming back to our gates, so I told you that multiplexers are functionally complete. Multiplexers jo hain, wo functionally complete hai. That means you can implement any logic function using multiplexers. Correct? So here, the first gate is your NOT gate. So what is the work of NOT gate? Whatever input you will give, this NOT gate will give us a complementation value. Jo NOT gate hai, ye uski complementation value dega. So in this case, what I can do here is that I can take a 2x1 multiplexer. Whatever this function value is, the value of function is 10. Just pass 10 here as it is, and just pass this variable x here, and the function will work. That's it. In the same way, I can produce an AND gate. मैं यहाँ पर एक AND gate भी बना सकता हूँ. And what is the work of AND gate? अब AND gate कैसे बना सकते हैं? So here in AND gate, if both x and y are 1, then only it will give a value as 1. Otherwise, it will give a value as 0. So to implement this AND gate, I can also use a 4x1 multiplexer, because there are 4 combinations of x and y, and I can also use a 2x1 multiplexer. मैं इसको implement करने के लिए एक 4x1 multiplexer का भी use कर सकता हूँ.
और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2x1 मल्टीप्लेक्सर का भी यूज़ कर सकता हूँ। सो इफ़ आई एम यूजिंग अ 4x1, अगर मैं इसको 4x1 को यूज़ करता हूँ, आई एम यूजिंग अ 4x1, दिस इज योर 4x1 मक्स। सो हियर इन द सेलेक्ट लाइंस आई एम गोइंग टू गिव इनपुट एज एक्स एंड वाई, एंड हियर आई एम गोइंग टू गिव दिस फंक्शन एज इट इज इन द इनपुट लाइन्स, सो 0001 एंड दैट्स इट। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ एंड गेट यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर, करेक्ट। आई कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट द सेम फंक्शन यूजिंग अ 2x1 मल्टीप्लेक्सर। कैसे करेंगे? सो जस्ट मेक अ वेरिएबल एंट्रेंट, राइट? वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल फॉर वेरिएबल एंट्रेंट। वी फाइंड आउट आफ्टर दिस दैट फॉर एफ ऑफ 0 वी आर गिविंग अ 0 एंड फॉर एफ ऑफ 1 वी आर गिविंग अ y, दैट्स इट, एंड देन यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट वेरी इजीली, करेक्ट। इन द सेम वे आई कैन इम्प्लीमेंट अ OR गेट। तो अगेन हाउ कैन आई डू इट? Either you can implement the OR gate using a 4x1 multiplexer or you can implement it using 2x1. 2x1 के लिए क्या करना है? We have to make a variable entrant, यानी कि जो function है, so just identify if if this variable x is 0, if x is having a value 0, then the function is behaving as y. If the variable x is having a 1, then function is behaving as 1. तो function की जो value है वो 1 के equal है। So basically here in the input I0, I'm passing y, in the input I1, I'm passing 1. So in this way, I can simply implement a OR gate. In the same manner, I can also implement a NAND gate. Hum ek NAND gate ko bhi multiplexer se implement kar sakte hain. How can you do it? How can you do it? Doing is very easy, right? What is a NAND gate? NAND gate is NOT plus AND gate. NAND gate ka matlab kya hai? NOT plus AND gate. So implement this NAND gate, you have two options, right? आप इसको दो ऑप्शन से कर सकते हैं। एक्चुअली नॉट इवन यूजिंग दिस, ये जो दिखाया गया इन दिस डायग्राम व्हाट वी आर डूइंग इज इनिशियली आई एम यूजिंग अ नॉट गेट एंड देन आई एम यूजिंग अ एंड गेट। तो ये जो है ये एक नॉट गेट को रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक एंड गेट को रिप्रेजेंट किया गया है। बट इवन यू कैन डू इट इन अ स्मॉलर मैनर, आपको दो, वी डू नॉट नीड टू 2x1 मल्टीप्लेक्सर, आप सिर्फ एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट इट यूजिंग अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। सो actually we do not need two multiplexers here, but why we have used these two multiplexers here, because we want to show that these multiplexers can also be cascaded. Hum in multiplexers ko cascade bhi kar sakte hain. Cascade ka matlab kya hota hai? Ek multiplexer ke baad dusra multiplexer lagana. To ab jo pehla multiplexer hai yahan par wo ek not gate ko represent kar raha hai, dusra jo multiplexer hai wo ek and gate ko represent kar raha hai, to isse kya hoga, hamare paas ek nand gate ban jayega. ठीक है, नाउ इट इज़ अ होमवर्क फॉर यू गाइस, डू वन थिंग इन योर नोटबुक्स, ट्राई टू क्रिएट अ नैंड गेट यूजिंग ओनली 1 2x1 मल्टीप्लेक्सर। एक नैंड गेट को बनाने की कोशिश कीजिए सिर्फ एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर से, ओके? सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू एज ए प्रैक्टिस पर्पज। इन द सेम वे दिस इज प्रेजेंटिंग अ नॉर गेट। सो हाउ आई यूज नॉर गेट? आई एम यूजिंग अ नॉट गेट हियर एंड आई एम यूजिंग अ ऑर गेट हियर, ठीक है? तो एक जगह पर मैंने नॉट गेट को यूज़ किया, दूसरी जगह पर मैंने और गेट को यूज़ किया, दैट मैनर आई कैन डू इट इजीली। उस तरीके से मैं इसको इजीली कर सकता हूँ, ओके? क्लियर है? इज इट क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, सो दिस इज योर एक्सक्लूसिव और गेट, और कैन से एक्सॉर गेट। सो यू नो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एक्सॉर गेट? आपके पास इक्वेशन क्या होती है एक्सॉर की? सो जस्ट आइडेंटिफाई द इक्वेशन, जस्ट आइडेंटिफाई द ट्रुथ टेबल। सो आई थिंक आई कैन डू इट, yeah, so what I can do here is simply create a truth table for this. This is x, y, and this is x xor y. So 0 0 0 1 1 0 and 1 1, this is 0 1 1 0. All you can do is simply make a variable entrant for this. Aap iske liye variable entrant banaye, and by using that variable entrant you can easily implement it using 1 2x1 multiplexer. तो आपको दो 2x1 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली डू इट यूजिंग 1 2x1 मल्टीप्लेक्सर, करेक्ट? तो दिस इज एक्सॉर, दिस इज एक्सनॉर, आप इन गेट्स को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो यू नो दैट मल्टीप्लेक्सर्स आर फंक्शनली कंप्लीट। मल्टीप्लेक्सर्स जो है वो फंक्शनली कंप्लीट है, ओके? नाउ हियर दे आर आस्किंग इंप्लीमेंट दिस बूलियन रिप्रेजेंटेशन बाय गिविंग अ ट्रुथ टेबल यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? दिस इज अ 3 वेरिएबल फंक्शन, और यू कैन सिंपली डू इज take a multiplexer here, and this multiplexer is a 8x1 multiplexer. Give all of these 3 variables as an input. Here I'm giving the variable x, a, here this is variable b, and here this is variable c.
एंड गिव ऑल ऑफ दीज फंक्शन वैल्यूज हियर, जो भी फंक्शन वैल्यूज है आप उसको यहाँ पर दे दीजिए एज इट इज एंड देन गिवन आउटपुट. इट्स सो ईजी टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर से फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान है, सच एन ईजी टास्क, सच एन ईजी टास्क. ओके सो यू कैन ऑल्सो सी द सेम हियर, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, वेर एवर वी हैव अ वन आई एम पासिंग अ वन, इन दिस लोकेशन आई एम पासिंग अ वन, इन दिस लोकेशन आई एम पासिंग अ वन, इन दिस लोकेशन आई एम पासिंग अ वन, इन ऑल अदर लोकेशन आई एम पासिंग वैल्यू जीरो, दैट्स इट, सच एन इजी टास्क. नेक्स्ट वन इज आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट अ थ्री वेरिएबल फंक्शन वेयर द मिन टर्म्स आर गिवन. आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दिस थ्री वेरिएबल फंक्शन यूजिंग अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर. तो हमारे पास एक थ्री वेरिएबल फंक्शन है जिसको हमें 4x1 मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करना है. आई बिलीव डूइंग दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. कैसे करेंगे? सो यू कैन सॉल्व दिस मल्टीप्लेक्सर बाय योरसेल्फ आल्सो. ठीक है, नाउ दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस. आप इसको प्रैक्टिस करेंगे खुद से एंड मे बी यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स विद दिस. आप अपने आंसर्स को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेट अस डिस्कस अबाउट हाउ कैन यू क्रिएट अ बिगर मल्टीप्लेक्सर्स यूजिंग स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर्स. विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेशन. In this video, let us discuss about how can you create a bigger multiplexer using smaller multiplexers. Sometimes it happens that when you are creating the circuits in the market, sometimes a bigger multiplexer might not be available. Jaise it might happen that your 16x1 multiplexer is not available and only 2x1 multiplexer is available. Then what you can do is you can use these 2x1 to create a 16x1. Aap in 2x1 se 16x1 ko bhi bana sakte hain. Let us discuss about it, कि इसको कैसे करना है, then you will be able to understand it in more details. So first of all, we will go with 2x1 multiplexer and we want to create a 4x1 multiplexer. Let us first try to understand their structure. ठीक है, structure क्या है? So in a 2x1 multiplexer, you are going to have two inputs. This is the input something which is I0 and this is the input I1. And we have only one select line which is S0 and this is the output. Okay, and in a 4x1 multiplexer you have four inputs, right? So this is input I0, this is the input I1, this is the input I2, this is the input I3, and we have two select lines. This is the select line S0, this is the select line S1, and this is the output which is given here. Okay, clear? Now, let us try to understand their equation. How these multiplexers behave in this manner? ये ऐसा क्यों behave करते हैं? And how can I make a 4x1 using 2x1? तो what is the equation for 2x1? 2x1 की equation क्या होती है? In a 2x1 multiplexer, we have something like this. We have when we do S0 complement, then we give the output as I0, and when we do S0, then we give the output as I1. Clear? In the same way, in a 4x1 multiplexer, if you give the input as S0, then you give the output as, you know, so if you have S0 complement as well as S1 complement, then output is I0 plus. If you give S0 and S1 complement, then output is I1 plus. If you give S0 complement and S1, then output is I2 plus. If you give S0 and S1 as it is, then the output is I3. So, jo aapka output hai, wo aapke paas I3 hai. Now, from this, something you can do special. Matlab kuch aisa alag yahan se kiya ja sakta hai. You can try to analyze a few things here. Yahan se aapki kuch cheeze aisi hain jo aap yahan se analyze kar sakte hain. From these two, I can take S1 as common, because hume kya chahiye? I want to identify that if I can make this equation using this equation somehow, क्या हम इस equation को यहाँ पर कुछ तरीके से ले सकते हैं या नहीं ले सकते? So what you can do is, you can take S1 complement as common between these two, then I will get S0 complement and I0 plus S0 I1 plus. Here you can take again S1 as common, then again it will be S0 complement I2 plus S0 I3. Okay, so this is having a complete similarity. इन दोनों की जो similarity है वो एक complete है, and this is also having a complete similarity, right? Both of these equations are very similar to this original equation, correct? So in this manner you can also identify that I can use two
मल्टीप्लेक्सर्स हियर, जैसे यहाँ पर एक मैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर सकता हूँ, आई कैन यूज़ अ 2x1 मल्टीप्लेक्सर हियर ऑल्सो, एंड देन फॉर दिस टू, फॉर दिस वन एंड दिस वन आई कैन यूज़ वन मोर 2x1 मल्टीप्लेक्सर. तो मुझे यहाँ पर जो नंबर ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स है, आई विल बी नीडिंग 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स, 1 2x मल्टीप्लेक्सर टू इम्प्लीमेंट दिस, अनदर 2x मल्टीप्लेक्सर टू इम्प्लीमेंट दिस, एंड 1 2x मल्टीप्लेक्सर टू इम्प्लीमेंट दिस S1 कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज S1. So what do I mean to say by this? Let me show you with the help of an example here. Let me show you with the help of an example. So what I can do here is that I can create, I can use one multiplexer here. So this is representing a 2x1 multiplexer. I can use another 2x1 multiplexer here. And this 2x1 multiplexer is representing this part. Yeah, right? So that means this is representing the input I0 as well as the input I1. And this second 2x1 multiplexer is representing this part. Yani ki it is going to take the input as I2 as well as the input as I3. Clear? And then whatever output here is, iska jo output hoga, this output will be equal to this and this output will be equal to this. Correct? Now according to this output, I can take this output from here. This output ko yahan se le sakta hun. Okay, let me draw it clearly. So I can take this output from here and I can give this output to the second level of 2x1 multiplexer, and this 2x1 multiplexer is for this S1 as well as this S1 complementation. So ye jo 2x1 hai, ye S1 aur S1 complementation ke liye hai. So that means here the select line will be S1, correct? And for these two, jo aapke pehle level ke the, in the first level I have S0 as a select line. Here we have S0 as the select line, right? So that means here I can give S0 as the select line. So ye ho gaya aapke paas S0, okay? And then I can get the output. So this output will be equal to this equation. Ye jo output hai, wo is equation ke equal hoga. So there's two things that you have to notice. First is, here we have the order S0, S1. And here we have the order which is S0, S1. I mean the orders are different. Orders jo hai, wo different hai. Okay, so that means to work it out, I have to change the order. Mujhe orders ko flip karna hai. If you do not change this order, then something different will happen. Jaise agar main yahan par, if I pass 0, 0 here, if I pass 0, 0, then what is output? Output is I0. And if I pass 0, 1 here, then the output is I1. But here, if you pass 0, 0, then the output is I0. But if you pass 0, 1, then this output will be I2. Jo output hai, wo I2 ke equal hoga. Why the output will be I2 in this case? Agar hum yahan par 0, 1 pass karte hai, to output I2 kyun hoga? Because you see, this S0 is representing the least significant bit and S1 is representing the most significant bit. Here also, S0 is representing the least significant bit and S1 is representing the most significant bit. तो अगर यहाँ पर 0, 1 लेते हैं, सो दैट मीन्स दिस वैल्यू हियर इज हैविंग अ डेसिमल वैल्यू 1. इफ आई पास 1, 0, दैट इज हैविंग अ डेसिमल वैल्यू 2. नाउ इन दिस केस दिस S0 इज लीस्ट सिग्निफिकेंट, दिस वन S1 इज मोस्ट सिग्निफिकेंट. सो इवन इफ आई पास 0, 1, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 2. इफ आई पास 1, 0, दैट मीन्स इक्वल टू 1. सो दिस इज द केस वेयर मैक्सिमम स्टूडेंट्स डू द नो प्रॉब्लम, और कैसे दे गेट कन्फ्यूज कि यहाँ पर जब हमने इसको 4x1 मल्टीप्लेक्सर को 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाया है, देन व्हाट शुड बी द सेलेक्ट लाइंस. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू इन दिस केस इफ यू पुट इट इन अ बॉक्स, नाउ इन दिस केस दिस विल बी S0, दिस विल बी S1. आइदर यू हैव टू फ्लिप देम और यू हैव टू चेंज, यू नो यू हैव टू गिव द इनपुट्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक 4x1 से 2x1 को बना सकते हैं. फाइन, नॉट द सेम थिंग इज रिप्रेजेंटेड हियर. जो सेम चीज़ जो हमने बनाई है वो यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेड है. सो वी हैव टू यूज द फर्स्ट 2x1 मल्टीप्लेक्सर. हियर वी हैव टू गिव द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट विच इज S0, राइट? दिस इज ऑल्सो 2x1 मल्टीप्लेक्सर, वी हैव टू गिव S0. दिस इज 2x1 मल्टीप्लेक्सर एंड वी हैव टू गिव S1. सो वी नीड 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर टू इम्प्लीमेंट अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर. हमें 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स की रिक्वायरमेंट है एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है, वेरी गुड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इन द सेम वे दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर. तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स के केस में एक्चुअली दिस
this is presenting a 16x1 using 4x1. तो ये जो है एक 16x1 मल्टीप्लेक्सर को रिप्रेजेंट कर रहा है 4x1 के हेल्प से. बट अगेन वी कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस, वी कैन ऑल्सो मेक 8x1 यूजिंग 2x1. हम 8x1 मल्टीप्लेक्सर को 2x1 मल्टीप्लेक्सर से भी बना सकते हैं. वी कैन डू इट. ठीक है, कैसे करेंगे, लेट मी शो यू. सो आई एम गोइंग टू टेक, दिस इज द फर्स्ट 2x1, सेकेंड 2x1, थर्ड 2x1. आई थिंक आई विल नॉट बी हैविंग एनफ स्पेस एंड दिस इज आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन बिकॉज आई एम नॉट यूज द स्पेस प्रॉपरली. सो दिस इज द फर्स्ट 2x1 मल्टीप्लेक्सर, दिस इज द सेकेंड 2x1 मल्टीप्लेक्सर, दिस इज द थर्ड 2x1 मल्टीप्लेक्सर, दिस इज द फोर्थ 2x1 मल्टीप्लेक्सर एंड हियर वी आर गोइंग टू गिव द आउटपुट एज I0. आई मीन इनपुट, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5, दिस इज I6 एंड दिस इज I7. करेक्ट. सो द सेलेक्ट लाइन फॉर ऑल ऑफ देम विल बी सेम. इन सभी की जो सेलेक्ट लाइन है दैट विल बी योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. सो सेलेक्ट लाइन हियर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट हियर. सो दिस सेलेक्ट लाइन विल बी रिप्रेजेंटिंग S0. ये जो सेलेक्ट लाइन है यहाँ पर, ये S0 सेलेक्ट लाइन होगी. ओके, देन आई कैन टेक द आउटपुट ऑफ देम. आई कैन टेक द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट टू, आई कैन टेक द आउटपुट ऑफ द नेक्स्ट टू, आई कैन गिव इट टू अनदर 2x1 मल्टीप्लेक्सर. दिस इज ऑल्सो अ 2x1 मल्टीप्लेक्सर. हियर द सेलेक्ट लाइन फॉर बोथ ऑफ देम विल बी S1. इन दोनों की जो सेलेक्ट लाइन है वो S1 होगी. In the same way, I can take the output of this multiplexer, I can take the output of this multiplexer, I can give to another 2x1 multiplexer and the select line here will be S2 and I can give it this way. Ab isko maine banaya kaise, how I created this one, isko maine kaise design kiya. So designing this is very easy. All you have to do is take a equation for 8x1 multiplexer and try to analyze the equation. उसमें जितने भी आपके S0 वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ रखो, ग्रुपिंग करो. S1 वाले टर्म्स को एक साथ ग्रुपिंग करो, S2 वाले टर्म्स को एक साथ ग्रुपिंग करो. जस्ट डू द ग्रुपिंग, देन यू विल गेट दिस आइडिया वेरी क्लियरली. अब यहाँ पर दो चीज़ें नोटिस करने के लिए बहुत ज़्यादा है. फर्स्ट इज द नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स इन द फर्स्ट लेवल. फर्स्ट लेवल पर कितने मल्टीप्लेक्सर्स हैं, वी आर हैविंग 4 मल्टीप्लेक्सर्स हियर. द नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स इन द सेकेंड लेवल, दिस इज वी आर हैविंग 2 मल्टीप्लेक्सर्स. And number of multiplexers in the third level, again we are having only 1 multiplexer. Okay. Now here, if I wanted to create 8x1 multiplexer using 2x1, agar hame 8x1 ko banana hai 2x1. Now what is the number of multiplexers in the first level? Yahan par kitne multiplexers hai? So number of multiplexers are 8 divided by 2. What is the number of multiplexers in the second level? This is 8 divided by 4. And what is the number of multiplexers in the third level? That is 8 divided by total. कितने होगा 8 divided by 8. So these many number of multiplexers are required. Now if you check it here, अगर आप यहाँ पर check करेंगे, if you want to create a n x 1 multiplexer using a m x 1 multiplexer, आपको एक n x 1 multiplexer को बनाना है m x 1 multiplexer से. In this case, the number of levels will be log n base m. जैसे हमारे पास, हमें एक 8x1 को 2x1 से बनाना था. वी वॉन्ट टू मेक इट 8x1 यूजिंग 2x1, राइट. सो इन दिस केस इट विल बी log 8 बेस 2, दैट इज इक्वल टू 3 लेवल्स. आपके पास 3 लेवल्स आएंगे. एंड वट इज द नंबर ऑफ गेट्स पर लेवल. इन द फर्स्ट लेवल वी रिक्वायर्ड n डिवाइड बाई m सीलिंग वैल्यू, दैट इज 8 डिवाइड बाई 2. इन द सेकेंड लेवल वी रिक्वायर्ड n डिवाइड बाई m स्क्वायर, दैट इज 8 डिवाइड बाई 4. इन द थर्ड लेवल वी रिक्वायर्ड n डिवाइड बाई m क्यूब, दैट इज 8 डिवाइड बाई 8. इन द kth लेवल यू नीड n डिवाइड बाई m रेस्ट पावर k गेट्स. आपको इतने गेट्स की ज़रूरत होगी. एंड वट इज द टोटल नंबर ऑफ गेट्स, इफ यू फाइंड आउट वट इज द नंबर ऑफ गेट इन द फर्स्ट लेवल, नंबर ऑफ गेट इन द सेकेंड लेवल, नंबर ऑफ गेट इन द थर्ड लेवल, अप टू सो ऑन, यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई दिस फॉर्मूला. एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन टेल वट इज द नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड इन एवरी लेवल ऑफ दैट इम्प्लीमेंटेशन, कि मतलब टोटल कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव आस्क्ड सच काइंड ऑफ फॉर्मूला इन द प्रीवियस ईयर गेट एग्जामिनेशंस. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज राइट दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर नहीं समझ में आता जस्ट लेट मी नो, आई विल क्रिएट वन मोर वीडियो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, राइट. एंड आई थिंक इट शुड बी, इट्स वेरी इजी, ये समझ में आ जाना चाहिए. बट अगर नहीं समझ आता जस्ट लेट मी नो,
I'll try to make it more easier for you guys. Okay? So multiplexer topic is incomplete unless we solve some previous year questions. So let us look at some previous year question based on multiplexers, and then a lot of things will get clear. Because हर एक क्वेश्चन के साथ, हर एक टॉपिक के साथ अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ लेते चलेंगे तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी. बिकॉज जो गेट के क्वेश्चंस हैं दे आर मोस्टली वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. सो इफ़ यू सॉल्व प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस इट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो यहाँ से हम लोग कुछ करते हैं क्वेश्चंस. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. इट इज सेइंग द आउटपुट एफ ऑफ द बिलो मल्टीप्लेक्सर सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय. तो हमारे पास एक सर्किट गिवन है एंड दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट. So here you can see the input lines are A and B. A or B hamari input lines hain, and in the select lines, input, in case of input, we are giving C, C complement and C. And in case of your select lines, you have A and B. Aapke paas A or B select lines hain. So A is given in the select line S0 and B is given in place of the select line S1. So let us first of all get the equation for this MUX. एंड देन यू विल गेट इट राइट. तो अगर हम दोनों में 0 0 पास करते हैं देन सी विल बी सेलेक्टेड राइट. सो दैट मीन्स इफ आई पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट देन सी विल बी सेलेक्टेड प्लस इफ आई पास 0 1 अगर हम यहाँ पर 0 1 पास करेंगे दैट मीन्स सी कॉम्प्लीमेंट विल बी सेलेक्टेड. यानी कि इफ यू डू समथिंग लाइक दिस बी कॉम्प्लीमेंट ए देन हियर सी कॉम्प्लीमेंट विल बी सेलेक्टेड. रिमेंबर हियर इन केस ऑफ एस नॉट we have A. S naught के जगह पर हमारे पास A है. And if I do B A complement, then this again C complement will be selected. And if I do AB, in that case C will be selected. So I'm going to get an equation something like this. तो हमारे पास कुछ इस तरह की equation आएगी. Now let us try and solve this equation. इसको हम लोग solve करने की कोशिश कर सकते हैं. So in this case you can see that I can take here I can take B complement as common. यहाँ से मैं B complement common लूँगा. If I take B complement as common, then I will get A complement C plus A C complement plus. And from here also I can take B as common, then I will get A complement C plus A C. Correct? Now you can see this is representing your XOR gate and this is representing your XNOR gate. So this is B complement A XOR B plus B A XNOR C. क्लियर. अब एक चीज यहां पर नोटिस करने के लिए है, whenever I write XNOR, so basically XNOR is equal to complement of XOR. यानी कि मैं इस XNOR को कुछ ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ. I can also make it XOR and this is complement of XOR. Now you can clearly see, अब ये क्या हो गया हमारे पास, this is basically C, this is not B, this is C. So this is a small mistake here, this is C. So now what is now, what is this now? अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे यू विल फाइंड आउट दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए एक्सॉर सी एक्सॉर बी एंड वी नो दैट एक्सॉर इज कॉम्यूटेटिव. तो एक्सॉर कॉम्यूटेटिव है, दैट इज व्हाई आई कैन से इट इज ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी. दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो एक करेक्ट आंसर है. सो यू कैन सी द आंसर हियर. सो नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन. Actually in this question there is a small mistake here. Here we have a value 1 and here we have a value 0. Okay, now you can try to solve this question, you will get the answer correctly here. So in this question let us see what they are trying to say. They are saying that here in this expression we have AC complement plus BC. Yani ki jo input aapke paas, inputs are A and B and this select line is C. So if I say the expression is AC complement plus BC. Here in this expression, the value of A is 1. A ki value kitni aapke paas? 1. The value of C is X1 complement plus the value of B. The value of B is 0 and the value of C is X1. So from this, you will identify this expression is X1 complement. Ye jo expression hai, ye aapke paas X1 complement ke equal hai. That means the output of the first multiplexer is X1 complement. And here in the second multiplexer, in place of A, I will give X1 complement. In place of B, I will give X1. And here we have X2. So that means the expression here will be X2 complement dot X1 complement plus X2 dot X1. And this is representing X1 XNOR X2. The X1 XNOR X2 ko represent kar raha hai. So that means the correct answer for this question is option number C. Option number C is the correct answer because X1 dot X2 plus X1 complement dot X2.
सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. यू कैन ऑल्सो चेक कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है. सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दे आर गिविंग अस टू मल्टीप्लेक्सर्स हियर. तो यहाँ पर हमारे पास दो मल्टीप्लेक्सर्स हैं एंड दे आर टेलिंग अस दैट द फंक्शन परफॉर्म बाई दिस मल्टीप्लेक्सर इज योर नॉर ऑपरेशन. ये जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं ये एक नॉर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ हियर लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सप्रेशंस. तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने के लिए है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस हियर, कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपके पास 1 है और ये वाली वैल्यू 0 है. यानी कि अगर हम यहाँ पर z के अंदर 1 पास करेंगे देन a विल बी सिलेक्टेड, अगर हम z के अंदर 0 पास करेंगे देन b विल बी सिलेक्टेड. ओके, सो दैट मीन्स इफ आई फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर दिस, तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, इफ आई पास z देन a विल बी सिलेक्टेड, बट इफ आई पास z कॉम्प्लीमेंट देन b विल बी सिलेक्टेड. अगर हम z पास करेंगे तो a सेलेक्ट होगा और अगर हम z कॉम्प्लीमेंट पास करेंगे तो b सेलेक्ट होगा. एंड फ्रॉम दिस दिस विल बी गिवन एज ए सेलेक्ट लाइन हियर. यानी कि अगर इस पूरे की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स अगर ये अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो आपके पास x सेलेक्ट होगा, अगर ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो यानी कि आपके पास y सेलेक्ट होगा. दैट मीन्स दिस आउटपुट हियर, ये जो आउटपुट है आपके पास, दिस आउटपुट कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस मैनर. वी कैन राइट इट एज z a प्लस z कॉम्प्लीमेंट b डॉट x प्लस z a प्लस z कॉम्प्लीमेंट b डॉट y. ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एक्सप्रेशन होगी और इसका होल कॉम्प्लीमेंटेशन रहेगा. सो वी विल बी हैविंग होल कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू आर गोइंग टू गेट. ठीक है, इतना क्लियर है सभी के साथ? इज इट क्लियर विद एवरीवन सो फार? नाउ इन दिस एक्सप्रेशन यू कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास a प्लस बी कैसे आ सकते हैं. हाउ कैन वी गेट a प्लस बी? टू गेट a प्लस बी यू कैन टेक दीज वैल्यूज. आप इनमें से कुछ वैल्यूज को ले सकते हैं, यू कैन ट्राई एंड इंसर्ट दीज वैल्यूज इन द इन z एंड a. यानी कि सो दे आर टेलिंग अस दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ z. अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ z. तो इसमें से आप कुछ वैल्यूज को ले सकते हैं, यू कैन ट्राई इंसर्ट दिस वैल्यूज टू फाइंड आउट कि हमारे पास a प्लस बी कैसे आ सकता है यहाँ पर. करेक्ट, सो हाउ कैन आई फाइंड a प्लस बी? सो वट इफ वी मेक समथिंग लाइक दिस कि यहाँ से वट इफ वी मेक समथिंग लाइक दिस, वी कैन अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ. दिस इस पर हम डी मॉर्गन्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ ऑन दैट. या फिर आप डी मॉर्गन्स लॉ की जगह पर वट कैन यू डू अबाउट इट, यू कैन से दैट ओके, सो लेट अस ट्राई टू इंसर्ट सम वैल्यूज, मे बी यू कैन गेट सम आइडिया. ठीक है, तो ये जो है 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ z. इफ आई टेक फर्स्ट ऑप्शन, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, इन दैट केस इन प्लेस ऑफ x आई एम पासिंग अ वैल्यू 1. तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर 1 लूंगा, सो आई विल गेट दिस इक्वेशन एज z a प्लस z कॉम्प्लीमेंट b. करेक्ट, एंड इन प्लेस ऑफ y आई एम पासिंग अ वैल्यू 0, दैट मीन्स ये कंप्लीट आपका 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बिकम 0. एंड देन हियर दे आर टेलिंग दैट इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल y, सो वी डो नॉट हैव एनी y हियर, इन प्लेस ऑफ वेरिएबल z जस्ट पास b. यानी कि अगर हम यहाँ पर z की जगह पर b रखेंगे देन आई विल गेट b a प्लस b कॉम्प्लीमेंट a एंड दैट इज दैट बिट b कॉम्प्लीमेंट डॉट b एंड दिस b कॉम्प्लीमेंट डॉट b इज 0, दैट इज वाई आई विल गेट a b. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर a इज नॉट अ करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर a जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं हो सकता. What is the second option? The second option, in place of x, I want to pass 1. In place of y, I want to pass 0. यानी कि y की जगह पर 0 डालेंगे. If you are going to put y is equal to 0, then this entire expression will become 0. तो यानी कि हमारे पास सिर्फ ये वाली expression मिलेगी. I will get z a plus z complement b. And here, in place of x, I passed 1. तो यानी कि हमें y वाली expression यहाँ पर दोबारा से नहीं मिलेगी. Now, in this case, in place of z, I am passing a. z की जगह पर हम लोग a पास कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन विल बिकम a डॉट a प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b, विच इज इक्वल टू a प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b. एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट a ओवर हियर, आप यहाँ पर a को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड इफ यू विल डिस्ट्रीब्यूट a, देन दिस विल बिकम a प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट a प्लस b. करेक्ट, एंड दिस a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इज 1, सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज a प्लस b. तो हमारे पास यहाँ से a प्लस b आएगा. सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर b कैन नॉट बी एन आंसर. ऑप्शन नंबर b आंसर नहीं हो सकता बिकॉज वी वॉन्ट a प्लस b होल कॉम्प्लीमेंटेशन.
राइट, तो यानी कि यहाँ से भी हमारे पास कुछ आइडिया लग सकता था. इन दिस एंटायर एक्सप्रेशन जो पहला ऑप्शन है, हियर वी आर नॉट गेटिंग एनी कॉम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी कॉम्प्लीमेंटेशन. दैट इज वाई आई कुड हैव टेकन एन एग्जाम्पल कि हमें ऑप्शन नंबर ए और बी को ट्राई नहीं करना है. दैट कुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम. बट अगेन इफ यू चेक ऑप्शन नंबर सी, सो दे आर ट्राइंग टू से इन ऑप्शन नंबर सी, इन ऑप्शन नंबर सी दे आर ट्राइंग टू से इन प्लेस ऑफ एक्स पास जीरो, दैट मीन्स दिस एंटायर एक्सप्रेशन विल बिकम जीरो. इन प्लेस ऑफ वाई पास वन, और इन प्लेस ऑफ जेड पास बी. तो यानी कि यहाँ पर हमें वाई के अंदर वन पास करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन बचेगी. दैट मीन्स आई विल गेट जेड ए प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट बी होल कॉम्प्लीमेंट. एंड दे आर सेइंग इन प्लेस ऑफ दिस जेड पास बी, जेड के अंदर बी को पास करो, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन विल बिकम ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट. अगेन यू विल सी दिस विल बिकम जीरो एंड दिस इज ए बी होल कॉम्प्लीमेंट विच इज बेसिकली अ नैंड गेट, बट इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ नॉर गेट. यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए. हाउ विल यू आइडेंटिफाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर? सो इन ऑप्शन नंबर डी यू विल ओनली गेट दिस एक्सप्रेशन. द एक्सप्रेशन इज जेड ए प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन. हियर इन प्लेस ऑफ जेड आई एम पासिंग ए, तो जेड की जगह पर अगर मैं ए को पास करूंगा दिस विल बिकम ए डॉट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट. एंड यू कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी हियर, सो दिस विल बिकम ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंटेशन. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए. बाय द वे इंस्टेड ऑफ दिस आई कुड हैव ट्राइड टू एनालाइज दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से एनालाइज कर सकता था. आई कुड हैव ट्राइड टू एनालाइज इट, देन आई कुड हैव सॉल्व इट इन अ मच फास्टर मैनर. इसको इससे ज़्यादा फास्ट तरीके से मैं सॉल्व भी कर सकता था. दैट वॉज ऑल्सो पॉसिबल. Now let us look at the next one. Here they are saying the following circuit implements a two input AND gate using 2-to-1 multiplexer. आपके पास एक two input AND gate है, इसको हमें 2-to-1 multiplexer से implement करना है. Okay? So here you can see when I'm saying AND gate means the output will be A dot B. जो output है वो आपका A dot B output होना चाहिए. Okay? So let us try to find out the equation. What will be the output here? It will be x1 dot a plus x1 complement dot b. Why I am saying this? Because here in place of a, we have the input 1 here and we have the input 0 here. ठीक है, यानी कि जो expression है यहाँ पर वो बनेगी x1 dot a plus x1 complement dot b. And in the second, in this output here, तो इसकी expression क्या बनेगी? This will be x3 dot x1 dot a plus x1 complement dot b plus this is x3 complement dot x2. So this will be your expression. ये आपकी expression है. Now in this expression, I just wanted a dot b. मुझे यहाँ पर a dot b चाहिए. Okay? And I do not want this one. मतलब मुझे a dot b चाहिए. I do not want this part because this part is of no use to me. इस part का मुझे कोई भी यूज़ नहीं है. दैट मीन्स आई कैन टेक एक्स टू एज जीरो. ठीक है, आइदर आई कैन टेक एक्स, ओके आई कैन टेक एक्स थ्री एज वन. मैं एक्स थ्री को वन ले सकता हूँ. ठीक है, अगर एक्स थ्री को वन लूंगा तो दिस एक्स थ्री कॉम्प्लीमेंट विल बिकम जीरो. ठीक है, सो इज देयर एनी ऑप्शन वेयर एक्स थ्री इज इक्वल टू वन? तो आप देख सकते हो एक्स थ्री को आप लोग वन ले सकते हो. बट आई हैव वन मोर ऑप्शन, मेरे पास एक और ऑप्शन है दैट आई कैन टेक एक्स टू एज जीरो. मैं जहाँ पर ले सकता हूँ कि एक्स टू की वैल्यू जीरो हो. सो लेट्स सी इफ आई हैव एनी ऑप्शन फॉर एक्स टू एज जीरो. सो दिस इज x2 is 0 and in this option also x2 is 0. x2 की value हम अगर 0 लेंगे, if I take x2 is 0 तो ये वाली जो expression है this will become 0. ठीक है, so अब मेरे पास क्या expression बचेगी? I will get x3 dot x1 dot a plus x1 complement dot b. Now let us do this. Let us try to analyze option number a. In option number a they are saying in place of x1 just place b. और x3 के केस में a रखो. यानी कि इफ आई टेक a डॉट b डॉट a प्लस इन x1 इट इज b कॉम्प्लीमेंट डॉट b. एंड इफ यू चेक इट हियर तो यहाँ पर क्या होगा? b कॉम्प्लीमेंट डॉट b इज जीरो. सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a डॉट a b एंड विच इज इक्वल टू a b ओनली. दैट मीन्स फ्रॉम ऑप्शन नंबर a आई एम गेटिंग अ AND गेट. ऑप्शन नंबर a से मेरे पास AND गेट आ रहा है. बट अगेन फॉर सेफ्टी पर्पज लेट अस ऑल्सो चेक ऑप्शन नंबर d. हम कंफर्म करने के लिए ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करते हैं. सो वी हैव द एक्सप्रेशन विच इज एक्स थ्री डॉट एक्स वन डॉट ए प्लस एक्स वन कॉम्प्लीमेंट डॉट बी. सो इन ऑप्शन नंबर डी इन केस ऑफ एक्स वन आई टेक ए.
तो हमारे पास आएगा इन प्लेस ऑफ एक्स थ्री आई टेक बी, सो आई टेक बी डॉट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे, सो अगेन आई एम गेटिंग ए प्लस बी डॉट बी एंड विच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एंड दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली इक्वल टू बी ओनली। ये जो एक्सप्रेशन है ये बी के इक्वल है बिकॉज दिस इज योर एब्जॉर्प्शन लॉ, यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज इक्वल टू बी ओनली। सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है। सो यू कैन ऑल्सो चेक वेरीफाई योर आंसर हियर, ओके। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन। कंसिडर टू द टू कैस्केड 2-to-1 मल्टीप्लेक्सर्स एज शोन बिलो, हमारे पास 2-to-1 मल्टीप्लेक्सर्स हैं। द मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट एक्स इज, तो यहाँ पे जो आउटपुट एक्स आएगा तो उसकी मिनिमल एसओपी एक्सप्रेशन क्या है, ओके। सो हियर वी आर पासिंग पी इन द सेलेक्ट लाइन, व्हेन आई हैव पी कॉम्प्लीमेंट देन आई सेलेक्ट 0, व्हेन आई हैव पी देन आई सेलेक्ट आर, दैट मीन्स यहाँ पर जो इक्वेशन रहेगी दैट इज पी कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 प्लस पी डॉट आर विच इज इक्वल टू पी आर ओनली, यहाँ से हमारे पास आएगा पी आर। नाउ इफ आई डू क्यू कॉम्प्लीमेंट, सो इफ आई डू क्यू कॉम्प्लीमेंट डॉट आई सेलेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस इफ आई सेलेक्ट क्यू देन आई एम गेटिंग पी आर, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कैन यू ट्राई टू मिनिमाइज इट, क्या आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बट अगेन यू कैन सी दिस इज ऑलरेडी मैचिंग विद ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी से डायरेक्टली मैच कर रहा है, सो आई कैन से आई डू नॉट वॉन्ट टू मिनिमाइज इट, आई जस्ट सेलेक्ट ऑप्शन नंबर डी हियर एंड इफ यू चेक द आंसर, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा आपके एग्जाम में, वो सबसे ईजी क्वेश्चन था, ओके। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन रिगार्डिंग डी मल्टीप्लेक्सर्स।